मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट जो होता है वह कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो बेंजीन और इलेक्ट्रोस्नेही आपस में रिएक्शन करके कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट या फिर एरिनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एरिनियम आयन बनने की जो सक्रियण जो ऊर्जा होती है वह एरिनियम आयन से प्रोडक्ट उत्पाद बनने की जो सक्रियण ऊर्जा होती है उस ऊर्जा से अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें दो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और दूसरी सेकेंड। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें क्या होता है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है और उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वह सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में क्या होती है, यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और यह रिएक्शन जो होती है वह धीमी गति से होती है और इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट या फिर एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में जो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट होती है वह क्या होती है कि डी प्रोटोनेशन, यानी उसमें से क्या होता है कि बेंजीन रिंग से प्रोटोन का निष्कासन होता है और वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वह फास्ट गति से होती है, या फिर इस अपन यूँ कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बनता है वह फास्ट गति से बनता है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं कहलाती, क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है वह ऊष्मा शोषी इसलिए होती है क्योंकि इसमें बेंजीन जो होता है तो जब कार्बोकेटाइन में बनता है तो यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में आता है तो उसकी स्टेबिलिटी समाप्त हो जाती है, लेकिन जब कार्बोकेटाइन वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बनती है। तो ये जो होती है आगे की, यानी कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ये अभिक्रिया क्या होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की या ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेंजीन वलय क्या होती है, पुनः स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट है जो कि हम, यानी कि बेंजीन के ऊपर या बेंजीन की रिएक्टिविटी और उसके ओरिएंटेशन पर प्रतिस्थापियों के प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। तो यानी कि प्रतिस्थापी, अगर बेंजीन रिंग पर अगर कोई प्रतिस्थापी उपस्थित है तो वह प्रतिस्थापी उसकी रिएक्टिविटी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो जनरली क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें जो जितने भी कार्बन एटम होते हैं उन सभी कार्बन एटम पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होने पर अगर इलेक्ट्रोफाइल है वो किसी भी कार्बन एटम पर अटैक कर सकता है, लेकिन अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जब उस पर अपन इलेक्ट्रॉन्स नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो वह क्या होता है कि बेंजीन वलय पर उपस्थित उस समूह की डायरेक्टिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है कि वह आने वाला यानी इलेक्ट्रोफाइल है वह कौन सी पोजीशन पे जाएगा, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि वलय पर अगर कोई उपस्थित समूह है वह उसकी प्रतिस्थापन को बताता है, इसके साथ साथ उसकी रिएक्टिविटी को भी निर्धारित करता है। तो मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन पर जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है वह उसकी रिएक्टिविटी का निर्धारण करता है। तो कुछ ऐसे होते हैं प्रतिस्थापी जो कि बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं या फिर उसकी प्रतिस्थापन की गति को घटाते हैं। तो जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं उनको अपन कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो उसकी रिएक्टिविटी को घटाते हैं या फिर प्रतिस्थापन की गति को घटाते हैं उसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। अब अगला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी प्रतिस्थापियों का वर्गीकरण। जो प्रतिस्थापी है उनका वर्गीकरण जो है उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर किया गया है, और प्रॉपर्टी के आधार पर उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, यानी कि ये उसकी एक्टिवेशन को बढ़ाते हैं या सक्रिय कर देते हैं उसको। नेक्स्ट है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन
वह डीएक्टिवेटिंग यानी कि उसकी क्रियाशीलता को गति की अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अगला है मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग समूह। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग समूह की बात करते हैं तो इसमें वे फंक्शनल ग्रुप आते हैं जैसे NH2 है, NHR है, NR2 है, OH समूह है, OR समूह है, ऑक्साइड समूह है, NHCOR समूह है, OCOR समूह है या एल्किल। ये समूह अगर बेंजीन पर उपस्थित है या बेंजीन नाभिक में उपस्थित है तो आने वाला जो प्रतिस्थापी होगा वह ऑर्थो और पैरा स्थितियों में जाता है या फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा और रिएक्शन की गति को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी कि बेंजीन की तुलना में क्या होता है, अगर नॉर्मल बेंजीन ले और एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन जिसमें ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, अब उन दोनों की तुलना करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जिस पर ये वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं वह बेंजीन क्या होगा, उसकी अभिक्रिया की गति क्या होती है, तीव्र होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो समूह जो होते हैं सारे के सारे, ये प्लस आई यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट दर्शाते हैं या फिर ये माइनस आई और प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, जो मीसोमेरिक इफेक्ट होता है वह इंडक्टिव इफेक्ट से प्रभावी होता है। कहने का मतलब है कि प्लस एम इफेक्ट जो होगा माइनस आई इफेक्ट से क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है कि ये अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है ग्रुप लेकिन वह डीएक्टिवेटिंग है यानी कि अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इस ग्रुप वर्क के अंदर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आते हैं जैसे हेलोजन सेमेनली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये समूह आते हैं। ये क्या करते हैं कि बेंजीन नाभिक में इनकी उपस्थिति होने पर ये जो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट आता है जो कि ऑर्थो पैरा स्थिति में तो आता है परंतु ये अभिक्रिया की गति में क्या होता है, बेंजीन प्रतिस्थापन से धीमी होती है। यानी कि ये अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, नॉर्मल बेंजीन लेंगे और एक ऐसा बेंजीन जिस पर ये हेलोजन समूह जुड़े हैं। जब दोनों की रिएक्शन की अपन अभिक्रिया की गति देखेंगे तो जो बेंजीन में प्रतिस्थापन होता है उससे भी इसकी गति जो होती है वह धीमी होती है। क्योंकि हेलोजन जो होते हैं माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वह मीसोमेरिक इफेक्ट से ज़्यादा प्रभावी होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, बेंजीन के प्रतिस्थापन से भी धीमा कर देते हैं। इसी कारण हेलोजन्स को अपन क्या कहते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। अगला है थर्ड जो है वो है मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। ये क्या होते हैं कि ये क्रियात्मक समूह है और मेटा डायरेक्टिंग क्रियात्मक समूह जो है वो है NR3+, CX3+, CO, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कहलाते हैं। अगर बेंजीन वलय में ये समूह उपस्थित है तो आने वाला जो प्रतिस्थापन होगा वह मेटा स्थिति पे जाता है और ये भी क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को बेंजीन के प्रतिस्थापन से काफ़ी धीमा होती है। यानी कि अगर ये समूह उपस्थित है तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी या रेट ऑफ रिएक्शन होगी वह बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी काफ़ी धीमी होती है। क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट दर्शाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि यह उसकी रिएक्टिविटी को या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे अपन टेबल में देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर क्या है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में भी क्या है कि जो प्रबल एक्टिवेटिंग ग्रुप है कुछ दुर्बल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कुछ दुर्बल सक्रियणकारी है और कुछ निष्क्रियणकारी है। तो इसमें भी क्या होगा कि जैसे प्रबल है NH2 एमीन है, OH है, ऑक्साइड है, ये सारे प्रबल ये इसलिए है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इन पर ज़्यादा होती है तो ये आसानी से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे करके उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं जिससे क्या होता है कि आसानी से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करता है। और यहाँ पर ये समूह है ये क्या होता है कि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी उसकी एक्टिवेटिंग कैपेसिटी कम होती जाती है।
और नेक्स्ट जो है डीएक्टिवेटिंग है वो हेलोजन्स, सारे डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि इनका माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट लगता है। और इसमें जो माइनस आई इफेक्ट होता है वह क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है प्लस एम इफेक्ट से। इस वजह से ये क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग समूह कहलाते हैं। और इधर जो है वह है दुर्बल निष्क्रियणकारी डीएक्टिवेटिंग और प्रबल डीएक्टिवेटिंग। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगले जब अपन बात करते हैं इसमें कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग समूह है, तो अगर अपन जैसे NH2 समूह ले लिया, तो NH2 समूह अगर बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है तो वह बेंजीन रिंग पर जैसे जुड़ेगा तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होगा वह अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड को, जिससे क्या होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें जो जैसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये होता है कि इसकी ऑर्थो और पेरा पोजिशन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पेरा पोजिशन पर ज़्यादा होने से क्या होगी कि जो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वह है उसकी या तो ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ेगा या फिर उसकी पेरा पोजिशन पर। तो जो एमिनो समूह है क्या होता है कि ऑर्थो और पेरा पोजिशन पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या फिर वो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वह वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर इसमें अगर ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग समूह जुड़ा है तो यहाँ पर इसको ऑर्थो और पेरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलती है। इस वजह से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, ऑर्थो या पेरा प्रतिस्थापी होगा। नेक्स्ट है जब मेटा डायरेक्टिंग समूह की बात करते हैं तो मेटा डायरेक्टिंग समूह क्या होता है कि वह उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वह क्या होती है, जैसे अपन ने CHO समूह है जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पर, अब इसमें क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन की तुलना करें तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो वह अपने बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए यह बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज जो होता है जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं तो उसकी ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर क्या आता है कि पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। और उसकी मेटा पोजीशन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि मेटा पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी की उतनी ही है, लेकिन ऑर्थो और पेरा पोजीशन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वह कम हो जाती है। तो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वह ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं तथा मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही रहती है। अतः आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वह क्या होगा, मेटा पोजीशन पर अटैक आता है या मेटा पोजीशन पर आकर के जुड़ता है। तो ये था अपना कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग में तो क्या हो जाएगा कि अगर बेंजीन रिंग मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है तो वह डिपेंड करेगा कि प्रतिस्थापी कैसा है। अगर प्रतिस्थापी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है तो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो और पेरा पोजिशन पर जुड़ता है। और अगर मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन में मेटा डायरेक्टिंग समूह जुड़ा हुआ है तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वह उसकी मेटा पोजीशन पर आकर के जुड़ता है, क्योंकि मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसी की वैसी रहती है यानी उतनी ही रहती है, लेकिन ऑर्थो और पेरा पोजीशन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वह कम हो जाती